अदर ऑनलाइन रिसोर्स ये स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में uh, आपसे कुछ और मजीद ऑनलाइन रिसोर्स के बारे में बात करनी है जो हम लैंग्वेज लर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हैं तो हेयर आर सम अदर ऑनलाइन रिसोर्स दैट कैन बी यूज इन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट लैंग्वेज लर्निंग एप्स सो देर आर मैनी लैंग्वेज लर्निंग एप्स अवेलेबल फॉर फ्री और फॉर सम फी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ऑन गूगल और ऑन यूट्यूब सो इंडि जिनकी मदद से इंडिविजुअल अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने लैंग्वेज स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं सम पापुलर ऐप्स इंक्लूड्स डोलिंगो बेबल और रिश्ता स्टोन नेक्स्ट पोस्ट कॉड्स Podcasts are a great resource for language learners as provide an opportunity to listen uh, to authentic language, use and improving listening and speaking skills, comprehension and com conversation skills. Uh, some popular language learning postcards include coffee break, Spanish and, and French Port 101. ऑनलाइन लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स तो ऑनलाइन लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन ऑन ऑनलाइन लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स कनेक्ट लैंग्वेज लर्नर्स विद नेटिव स्पीकर्स तो जिनकी मदद से हम नेटिव लैंग्वेज स्पीकर्स के साथ हम कनेक्ट करके उनसे बात करके उनका उनसे लैंग्वेज अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं और इसमें टारगेट लैंग्वेज फॉर कन्वर्सेशन प्रैक्टिस मिसाल के तौर पर इक्की टाकी एंड टैंडम इन, इनकी मदद से हम नेटिव स्पीकर से या जो अहल ज़ुबान होते हैं उनसे बातचीत करके अपनी लैंग्वेज को बेहतर बना सकते हैं सोशल मीडिया सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा सोर्स है लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के हवाले से तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स थ्रू फॉलोइंग पेज़ यानी मुख्लिफ़ पेजस को मुखलिफ गो ब्लॉग्स को, को फॉलो करना फॉर द्रुप्स द पोस्ट कॉन्टेंट इन द टारगेट लैंग्वेज तो उसमें बहुत से आपको उसमें पोस्ट की जाती हैं बहुत सा कॉन्टेंट उसमें पोस्ट किया जाता है और लिखा जाता है और इंटरक्टिंग विद नेटिव स्पीकर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज जो ज़बान आप सीखना चाहते हैं उसके नेटिव स्पीकर से आप बात करें और एंड प्रैक्टिस राइटिंग स्किल्स थ्रू पोस्ट एंड कमेंट्स तो पोस्ट और कमेंट्स के साथ आप अपने राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि लिखना जो है वो लिखने से ही या प्रैक्टिस से ही आता है ऑनलाइन लैंग्वेज रिसोर्स में सो देर आर मैनी वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन रिसोर्स दैट प्रोवाइड फ्री लैंग्वेज लैंग्वेज लर्निंग मटीरियल सचेज ग्रामर एक्सप्लेनेशनस चूँकि आप समझते हैं कि इंग्लिश एक बैन अवी लैंग्वेज है ये एक बैन अवी रे की ज़ुबान भी है और लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी भी है और वैकैबलरी लिस्ट एंड एक्सरसाइज आपको ये ऑनलाइन रिसोर्स के तौर पर मिलते हैं और सम पॉपुलर ऑनलाइन रिसोर्स इंक्लूड बी सी लैंग्वेज एंड क्विजलेट तो ये बी सी भी ऐसे रिसोर्स फ्राहम करता है लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से वो चीज़ें फ्राहम करता है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वाइल ऑनलाइन रिसोर्स कैन बी यूजफुल टूल्स फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट दे शुड नाट बी ओनली रिसोर्स अब सिर्फ इसी पे इसार नहीं करना चाहिए बल्कि हमें क्या करना चाहिए फिजिकली बुक्स भी पढ़नी चाहिए हमें दूसरे सोर्सेज को भी इस्तेमाल करना चाहिए सो इन इन पर्सन कन्वर्सेशन के, uh, सिर्फ इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन नहीं बल्कि पीयर कन्वर्सेशन ग्रुप्स में कन्वर्सेशन, डिस्कशन सो रीडिंग फिज़िकल बुक्स एंड अदर एक्टिविटीज दैट अलाउ फॉर अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स जो हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ ऑनलाइन भी के साथ साथ हमें दूसरे सोर्सेज भी यूज़ करने चाहिए क्योंकि बाजूकात टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन होती है और उसमें प्रॉब्लम भी हो सकता है तो ये था कुछ दूसरे ऑनलाइन सोर्सेज जिनके बारे में मैंने आपसे बात की